बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं निपोन, उनका साथ देते हुए विहिर ग्वाला और गेंदबाजी का भार संभालेंगे राजू टकला। हमारे एम्पायर अच्छी फील्डिंग आनंद के द्वारा एक रन निपोन की बल्ले से। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं मिहिर ग्वाला और जिन्होंने कल जी हाँ बेहतरीन बल्लेबाजी का आगाज किया था अपनी टीम को लक्ष्य तक। ओ जी हाँ कल जहां से छोड़े थे वहां से शुरू करते हुए यहाँ पर मिहिर ग्वाला अंतिम गेंदों पर छक्का लगाकर जी अपनी टीम को जीत। लेग साइड पे फ्लिक करने की प्रयास वाइड का इशारा एक रन का जफा। ओ इस बार बिल्कुल सामने कवर्स के ऊपर से ये छक्का आता हुआ, ये इनिंग्स का दूसरा छक्का मिहिर ग्वाला की बल्ले से। इसी विषय के लिए राजू गति परिवर्तन क्या क्या थोड़ी शॉर्ट रह गए यहाँ पर चंदन। ओ इस बार क्या कॉर्ड की कॉल उठी नहीं और इसी के साथ चौका मिलता हुआ यहाँ पर मिहिर को। तो जी हाँ अब चौके छक्के की लगातार बरसात होते हुए बीपीएल का और इसी के साथ पुलिस का बढ़ता हुआ पहली ओवर के समाप्ति पर 24। ओहो देखिए बढ़िया सोचता है यहाँ पर थर्डमैन के खिलाड़ी डिवीज के चलते क्योंकि उन्हें भी पता है कि जी हाँ निपोन थोड़ी पीछे था। ओहो जी हाँ रफ्तार से मात देते हुए बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर छेत्री तक गेंदबाजी का भार संभालेंगे नींबू। इस बार हवा में कुछ समय के लिए लेकिन जो थर्ड स्लिप के खिलाड़ी काफी पीछे वाइड रखा था जिसके चलते एक रन आसानी से मिलता हुआ इसी एक रन के साथ पुलिस को बढ़ता हुआ 26-26। देखिए क्या बेहतरीन गेंदबाजी भाई की ओर से एक रन आता। वो यहां से अगर देखा जाए तो हर एक जी हाँ गेंदों पर रन बना रहे हैं इसके पम्मी है। इस बार ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा पर जब तक चंदन फील करे आसानी से एक रन। तो जी हम चर्चा कर रहे थे इस खिलाड़ी की नियंत्रण क्षेत्र के द्वारा फिर से देखिए लगातार ओहो इस बीच विकेट कीपर थोड़ी फंबल करते हुए यहां पर और एक रन चुराते हुए इसी के साथ जी हाँ दूसरी ओवर के समाप्ति पर कुल इसको बढ़ता हुआ 29। ओहो क्या फूलते गेंद का क्या बेहतर हिदायत देते हुए यहाँ पर निपोन भी अपना हाथ खोलता हुआ यहाँ पर। वो इस बार सामने जी हाँ बिल्कुल बोरा की सर के ऊपर से यस दंग से बन छक्का कुल। ओहो इस बार थर्ड मैन की ओर जाते हुए अच्छी फील्डिंग छेत्री के द्वारा एक रन एक बढ़िया शुरुआत यहाँ पर ब्रदर्स इलेवन की खुद। ओहो हो इस बार देखिए कदमों का इस्तेमाल और इसी के साथ और एक चक्का आता हुआ 48 रन आ चुके हैं ये तीसरा ओवर प्रगति पर। ओहो हो इस बार हमारे स्कोर बोर्ड के सामने और एक बेहतरीन चक्का और इसी के साथ कुल इसका बढ़ता हुआ 54। इस बार चंदन गेंद को रोका अगर सही किया यहाँ पर अगर कोर्ट के लिए जाते तो शायद फंबल होता छिटक के कहीं और जाता चौका मिलता तो सही किया यहाँ पर। इसी के साथ तीन ओवर के समाप्ति पर कुल स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन आ चुके हैं। ये जितने भी रन आए ना पहले और तीसरी ओवर पर आए हैं। एक आया था 24 रन शायद राजू की ओवर पर और ये इस ओवर पर ढेर सारा रन आए दीपक की। आप गेंदबाजी का भार संभालेंगे आनंद शर्मा।
और कुछ आज ही आप सिंगल रन। ओहो इस बार हवा में बढ़िया कॉट, यहां पर पहला सफलता मिलता है बाकी से आनंद शर्मा को। तो जी हाँ, जो ब्रेक थ्रू चाहिए था वो ब्रेक थ्रू तो आ चुके हैं, लेकिन यहां से काफी देर भी हो चुके ब्रेक थ्रू आते आते, क्योंकि काफी रन बन चुके हैं। यहां से अगर चार ओवर को जो टारगेट जी हाँ चाहिए था ना, वो टारगेट तो आ चुके हैं, क्योंकि 55 रन आ चुके हैं। सामना करेंगे वो इस बार ऑन साइड पर एक रन। अब तक देखा जाए तो जी हाँ शर्मा की दो गेंद काफी किफायती गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, और यही आवश्यकता है। यहाँ से बची हुई जो चार गेंद, चार गेंद पर अगर पांच या छह रन भी आ जाए तो उतनी मुश्किल नहीं होंगे। ओह ये शॉर्ट गेंद, छह रन। यहाँ से थोड़ा देखा जाए तो थोड़ी सी खराब फील्डिंग, जिसका वो अपेक्षा कर नहीं थे। यहाँ घबराते हुए अगली गेंद स्टाइफन निपॉन। ओहो ये बड़ा रफ्तार की गेंद, साइड ऑफ साइड की थोड़ी बाहर, जिसके चलते मजबूरन एमपीआर को वाइड देना पड़ा, और इसी के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। ओहो इस बार भी उतनी अच्छी तरह से बल्ले पर आए नहीं, बढ़िया फील्डिंग अरिफ के द्वारा, एक रन 64। वो इस बार जी हाँ जड़ पे गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग पप्पू खड़िया की, एक रन 65 रन 65। ओहो हो और जी हाँ इसी के साथ यहाँ पर रन आउट, और रन आउट तो हुई है, लेकिन रन पे अगर ध्यान दे जाए तो 65 रन तो वो बना चुके हैं, लक्ष्य 66 यानी 66। वो कितना गेंदों में बनानी होगी, 24 गेंदों पर। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो निश्चित रूप से 15 के आसपास, जी हाँ 15 के आसपास तो रिक्वायर्ड रन रेट की आवश्यकता होंगे। तो जी हाँ एक टीम दूसरी टीम को जी हाँ चुनौती देता हुआ यहाँ पर। ओहो ये जी हाँ बढ़िया कोट पकड़ा हमारा स्कोरर ने, तो जी हाँ यहाँ से अगर देखा जाए तो एक गेंद पर। ओहो ये गेंद हवा में कितना दूर, ओहो इसी के साथ चंदन को चलता क्या, बढ़िया कोर्ट पकड़ा यहाँ पर, बढ़िया बॉल ओहो अपने फ्लोट पर बढ़िया फील्डिंग निपॉन के द्वारा, कोई रन नहीं डॉट बॉल यानी बिंदी गेट से अब तक शायद। ओहो ये फ्लैट, क्या बढ़िया कोर्ट पकड़ा यहाँ पर रिदीप मोहन ने। तो जी हाँ जो अपेक्षा था ना इस बल्लेबाज की ऊपर, वो फिलहाल आज ही हाँ गलत साबित होता हुआ यहाँ पर। तो अगला बल्लेबाज पप्पू खड़िया। ओहो आते ही छक्का से शुरुआत किया यहाँ पर पप्पू खड़िया ने, जली को आप कहते हैं रगी को पहाड़ी ले क्यों बगी रहा मोबाइल अच्छा लो यहाँ पर। ओहो यहाँ पर देखा जाए तो फील्डर कॉट को ड्रॉप किया यहाँ पर। तो जी ऐसे अगर देखा जाए तो जहां से वो जी बल्ला उड़ाया था, क्या बढ़िया जी हाँ फ्रंट फुट 18 रन पहली ओवर से आए हैं, जहां से उन्हें आवश्यकता था 16 की, वहां पर उन्हें मिल रहा है 18, 1.5 रन करके ऊपर चलता हुआ यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट से।
तैयार नहीं थे सदरी पापू करिया चाहिए। ओहो इस बार उतनी सही कनेक्ट देखा जाएगा, दर्शक क्या बता रहे हैं, चौका जी हाँ चौका मिलता हुआ। अभी भी 44 रन चाहिए। उस बार लेग साइड पर तैनात है खिलाड़ी, एक रन द्वार कर सकते हैं। तो हो इस बार उतनी अच्छी तरह से आए नहीं बल्ले पर, खुश होंगे यहाँ पर ब्रदर्स 11, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि एक रन पर अगर सिंगल आ जाए तो खुश होंगे वो। वो हो गति परिवर्तन की आता है, लेकिन पापू खड़िया हम चर्चा कर रहे थे कि जली को आप कहते हैं बुजी को रात कहते हैं, जली को आप कहते हैं बुजी को रात कहते हैं, फिलहाल जो बल्लेबाज छक्का लगा रहे ना उसे पापू खड़िया कहते हैं। इस बार थोड़ी चकमा दिया, गेंद छोटी रखी, एक रन चुराए यहाँ पर, इसी एक रन के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ 31। दादा अपनी कोई খেল চাই কেন লাগিছে আপোনাৰ খেল চাই বৰ্তমান আমাৰ শৰ্মা ইয়াত বঢ়িয়া জি আপ ফুটবল কা কিয়া বঢ়িয়া টাইমিং আগৰ দেখা যায় ওভাৰ কি সমাপ্তি পৰ কুল স্কোৰ বঢ়তা হোৱা 37 16 কি इस बार उठाया था लेकिन जहां मारना चाहते थे वहां गया नहीं, एक रन चुराया। अच्छा बात यह है कि स्ट्राइक पर आ चुके जी हां शर्मा, फिलहाल वो बनता हुआ यहां पर पारी को संभाल के निखार के आगे लेके जाता हुआ। ओहो बल्ला पहले ही घुमा चुके थे यहाँ पर, गेंद बाद में आई, राहत मिलता हुआ यहाँ पर ब्रदर आवश्यकता है। 19वां ओवर ओहो जी हाँ यहाँ से एक ब्रेक टू चाहिए था, दिलाया यहाँ पर मून ने, एक बड़ा बल्लेबाज फिलहाल मैदान को छोड़ के वापस जाता हुआ। यस बल्ला घुमाया पाया किसे विकेट कीपर को। ओहो इस तरह से अब काम नहीं चला पाएंगे, 7 गेंद पर चाहिए 27 रन इस बॉल पर आई विकेट। ओहो यहाँ पर काफी हल्का उठाया था, ओहो तपन काफी अपेक्षा था आपके ऊपर, आराम से गेंद उनके हाथों पर आ रहा था जो साइन लैंड एक जी हाँ परेशानी हो सकता है। अब चाहिए कितना रन चाहिए, शायद 26 रन चाहिए जी हाँ 6 गेंदों पर। वो 16 बॉल 26 रन, 2 गेंद इस जी हाँ 16 बॉल 26 रन दरकार मैच का, वो रिजल्ट बताएंगे वो 2 गेंद 26 रन अभी भी चाहिए 6 गेंद पर, 2 गेंद इस मैच का जी हाँ वो रिजल्ट आपके सामने लेके आएंगे। पापू के ऊपर काफी भरोसा, 2 बॉल तो आ चुके हैं इस बीच। यानी अभी भी 6 गेंदों पर चाहिए 24 रन। ओहो फ्री हिट का लाभ उठाते हुए यहां पर बाबा, जितने भी गेंद बची हुई है वो ये और एक छक्का आता हुआ यहां पर, अब कितने रन चाहिए, 12 रन चाहिए। इस पॉसिबल
होना चाहिए, नेक्स्ट 1 6 इज नीडेड। इस बार नीची रहेंगे गेंद, एक रन तो आ चुके हैं। अब दरमोदार पापू के ऊपर 5 रन अभी भी चाहिए। पूछिया जो इस मैच को छोड़ के गए थे ना, वो अगर वापस आएंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि ये मैच श्रीनगर मैंने जीत चुके हैं। उन्हें विश्वास नहीं होगा जो आधे देखकर इस मैच को छोड़ के चले गए थे।